सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो हमारे स्मार्टफोन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन स्मार्टफोन की गंभीर समस्याओं में से एक है उसका गर्म हो जाना। ऐसा हर स्मार्टफोन में तो नहीं होता है, लेकिन कई यूजर को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। गेम खेलते या वीडियो देखते हुए फ़ोन को अचानक हीट करने लगता है। कई बार तो चार्जिंग पर लगाए हुए भी बहुत सारा हीट हो जाता है। फ़ोन अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो डिवाइस डैमेज तक हो सकता है, साथ ही उसकी परफॉर्मेंस पर भी जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, ये फ़ोन जो हीटिंग होता क्यों है? स्मार्टफोन की हीटिंग के लिए कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसके प्रोसेसर से लेकर जिन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मल्टीटास्किंग जैसे कामों से फ़ोन जो है गर्म हो सकता है। इसके अलावा फ़ोन धूप में रखने में भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सोनी के एक्सपीरिया Z5 समेत कई स्मार्टफोन में हीटिंग की प्रॉब्लम जो है सामने आई है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन भी हीटिंग की वजह से फटने लगा था। और इसके अलावा अब जियो 4G के आ जाने से इंटरनेट को बंद करने की हमारी आदत जो है बहुत छूट चुकी है, यानी कि हमारा मोबाइल जो है इंटरनेट उसमें हमेशा ऑन रहता है। इसकी तरह लोकेशन या GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई और अन्य कई फंक्शन खुले रह जाते हैं जिसका उस समय पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। इन फंक्शन को लगातार ऑन रखने से बैटरी पर दबाव पड़ता है और फ़ोन जो है गर्म हो जाता है। एक फ़ोन के बैकग्राउंड में एक साथ कई ऐप्स चलने से ऐसा हो सकता है। फ़ोन की रैम को समय समय पर क्लीन करते रहें। आप इसके लिए किसी भी अन्य थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन की ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें, इससे जो है ऐप्स बग्स फ्री रहती है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, इससे जो है हीटिंग की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा आप हमेशा अपने फ़ोन को इसके साथ आए चार्जर से ही चार्ज करें, किसी और फ़ोन के चार्जर का इस्तेमाल ना करें और आप जो है किसी को भी अपना चार्जर इस्तेमाल करने के लिए ना दें। तो दोस्तों, इन टिप्स का यूज करके या इन टिप्स को फॉलो करके आप जो है अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपने स्मार्टफोन का जो है देखभाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।